जो हमारा पहला टॉपिक है, अब ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है दो चार जगह से पूछती है, ठीक है। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका वही होता है मेनली फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या, आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, तीन एरिया से क्वेश्चन आते हैं मेनली। ये तीन एरिया से क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है, आपके क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी भी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, ये रिवर्स, अब तो वही मेन चीजें प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिज्म, ठीक है, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं। ओशनोग्राफी में कहता है ओशन बॉटम रिलीफ, टाइड्स कैसे बनती, वेव्स कैसे बनते हैं, करंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सब उसका पार्ट होता है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एयर मासेस, टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है, ये सब। फिर ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी देखा जाए तो ज्योग्राफी होती है रिलेशनशिप ऑफ मैन, ठीक है। ज्योग्राफी का लोकल मतलब सिंपल डेफिनेशन बोला जाएगा तो स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, ठीक है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ह्यूमंस करते हैं जिससे कि अर्थ का सरफेस ऑल्टर होता है उसकी स्टडी को ही, उसकी पढ़ाई को ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है ने, ज्योग्राफी ने वर्ल्ड को, अर्थ के सरफेस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया और उनको वो रीजन बोलता है, ठीक है। ऐसे ही एक रीजन है इंडिया, ठीक है, ऐसे ही एक रीजन है इंडिया। तो हमारे लिए दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद वो है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो जो हम लोग पढ़ेंगे, जो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, उसका एप्लीकेशन इंडिया में, ठीक है, वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। क्योंकि हम इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन रीजन की जो ज्योग्राफी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है आपका जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है होता है मैपिंग। अब मैपिंग कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं है, इन्हीं का ही पार्ट है। जो जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, ये सी इधर है, ये लैंड इधर है, ये पीक इधर है, माउंटेन उधर, उसको जब मैप पर लोकेट करेंगे तो वो मैपिंग होगी हमारी, ठीक है। इस तरह से हमारी मैप पर लोकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में जब फिल्म को देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं उसमें 50% मैपिंग बेस्ड ही होते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ये पीक कहाँ पे है, ये किसके साउथ में है, ये किसके नॉर्थ में, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है, ठीक है। फिर जो चौथे जो टर्म्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं मेनली, जिसमें ज्योग्राफी का जो आपका जिसमें जो ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी का इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्योग्राफी प्लस किसी और दूसरे सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है। जैसे ज्योग्राफी का हो जाएगा एनवायरमेंट के साथ, ठीक है, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्योग्राफी प्लस आईआर के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, इस तरह से यूपीएससी ज्योग्राफी पूछती है। अब ज्योग्राफी पढ़ना कहां से, सबसे पहली चीज तो है आपको जो जितनी भी ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज हैं, जितनी भी ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 तक सारी पढ़नी है आपको, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। फिर एक स्टैंडर्ड एटलेस अपने साथ रखना है, ठीक है, मेनली ओरिएंट, ब्लैक स्वैन की एटलेस, ठीक है, ये आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बुक्स भी होती हैं जैसे जी सी लियोन, ठीक है, इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छी बुक है ये वाली, लेकिन एनसीईआरटी आपकी मस्ट है, ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, बुक्स तो बहुत है लेकिन आपके लिए इतनी रिलेवेंट नहीं होगी क्योंकि बड़ी है, ठीक है, जीएस ज्योग्राफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है।
ठीक है, ये बुक्स, ठीक है। तो ये तीन चार जो मेन चीजें हैं इसको पढ़िए, खासकर अपना ध्यान रखिए एनसीईआरटी पे, और प्लस जो क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लास नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसके पूरे क्लास नोट्स आपको दूंगा, और साथ में क्वेश्चंस। साथ साथ अब क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के ही लगाने हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में जो जो क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, और मेंस में जो है वो आपको देखना है। अभी फिलहाल के लिए आपको देखिए, रीड कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक आती है उसको ले लीजिए, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आप इन मेंस के क्वेश्चन पेपर, मेंस के जो क्वेश्चन है इनका मॉडल आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको अपने बोर्ड में 2 पेज में लिखना शुरू करें, और 50 मार्क का उसको 3 पेज में लिखना शुरू करें, ठीक है, जिससे आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, और प्लस क्या कहते हैं आपको पता लगेगा कि यूपीएससी किस चीज पूछ रही है। ये मॉडल आंसर मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी जिस चीज का क्वेश्चन पूछ रही है उसको दोबारा पूछेगी नहीं, ठीक है। यूपीएससी क्या करती है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करती है, लेकिन थीम्स रिपीट करती है अपनी, ठीक है, यूपीएससी हमेशा अपनी थीम्स रिपीट करेगी। तो अब हमने बोला कि ये आपका इतना चीजें होती हैं, ज्योग्राफी क्या पूछती है यूपीएससी, क्या उसमें सोर्स है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या रिफर करना चाहिए, ठीक है। एटलस जो भी मैंने बोला, एटलस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एटलस आप हमेशा अपने साथ रखिए, एटलस को आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए, जब भी खाली टाइम हो या फिर दिन में कोई पर्टिकुलर टाइम निकाल के डिवोट करके एटलस खोलिए, पेज आज एक पेज आज कवर कीजिए, ठीक है, अगला पेज अगले दिन कवर कीजिए, ऐसे करके पूरी एटलस पढ़ते जाइए, और जब खत्म हो जाए तो फिर से शुरू कीजिए, ठीक है, एटलस में जितने हैं, और अगर आपको जो कुछ यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है वो एटलस आपके पास लेके आए हैं तो एटलस में लिखिए उसमें, ठीक है। तो कल से आप एटलस लेके आइएगा, ठीक है, जो भी आपके पास ओरिएंट ब्लैकस्टोन है तो उसको लेके आइएगा, नहीं तो एक ऑक्सफोर्ड की भी है, ऑक्सफोर्ड की रिलेटिवली थोड़ी सी बेसिक वाली है, ओरिएंट ब्लैकस्टोन की अच्छी होती है, तो जो है आपके पास वो लेके आइएगा, ठीक है, तो वो लेके आइएगा। तो ये है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस, हम पढ़ते हैं, और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना इंडियन साइज एंड लोकेशन से, ठीक है। तो इंडिया की क्या साइज है और इंडिया का क्या लोकेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोकेशन कहाँ है, लोकेशन आप देखिए, ठीक है, इस मैप के अकॉर्डिंग लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। अब ये मैप में इन्होंने बदतमीजी का किया, ये पीओके को हटा दिया, तो हम लोग पीओके जोड़ देते हैं, ठीक है, ये मैप में इन्होंने यहाँ से लिया गया है, ये मैप में इन्होंने पीओके को हटाया, तो पीओके को जोड़ते हैं। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है, एशियन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, एशिया के, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में, इसीलिए इस एरिया को क्या बोला जाता है, साउथ एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। और इंडियन ओशन के बिल्कुल हेड पे इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। तो आप लोकेशन देखो इंडिया की कहां पे है, एशिया के साउथ में है, ठीक है, और इंडियन ओशन के बिल्कुल नॉर्थ में है हेड पे, ठीक है। और ये लोकेशन इंडिया को, ये मतलब हम लोग ज्योग्राफी का सबसे बेसिक टॉपिक है ये, इंडिया का साइज एंड लोकेशन, लेकिन ये जो लोकेशन है ये क्या, किस चीज को जन्म देता है, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स को, ठीक है। इंडिया की सारी जियोपॉलिटिक्स इसी चीज से डिटरमाइन होती है कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, इंडिया के अपने पड़ोसी देशों से, चाइना से, पाकिस्तान से कैसे रिलेशन होंगे, इंडियन ओशन की कंट्रीज से कैसे रिलेशन होंगे, ऑस्ट्रेलिया से कैसे होगा, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये है इंडिया की लोकेशन, और इंडिया के लोकेशन को हम लोग बढ़ते हुए आगे इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का जब साइज देखोगे तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। यहां पे आपके डिफरेंट कंट्रीज मैप में बता रखी है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया, ठीक है। और ये सब चीजें देखते ध्यान में रखिए, क्योंकि सेशन के एंड पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया है 7वें नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे कौन सी है, कनाडा, ठीक है, कनाडा, तीसरे नंबर पे आप देखिए यूएसए, ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सी है, चाइना, हमारे बगल की पड़ोसी कंट्री,
ठीक है। फिर पांचवें नंबर पे कौन सी है, ब्राजील, ठीक है। छठे नंबर पे कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। सातवें पे हमारा इंडिया। आठवें पे, ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है तो इंडिया तक आकर रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं कि एट्थ और नाइन्थ कौन सी है, ठीक है। एट्थ है अर्जेंटीना, ठीक है। नाइन्थ है हमारी, नाइन्थ है कजाकिस्तान, और टेंथ है अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। तो टेंथ लार्जेस्ट कंट्री ये है, ठीक है। इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट है और इंडिया वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का कितना, 2.4% ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्चुअल एरिया है अगर आप उसको देखोगे साइज में, तो वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो कि क्या है, जो कि टोटल वर्ल्ड एरिया का, टोटल वर्ल्ड के लैंड एरिया का 2.4% है, ठीक है। क्योंकि टोटल इसका 2.4% है, ये है इंडिया का साइज, ठीक है। साइज किसके टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में, ठीक है। पॉपुलेशन के टर्म्स में क्या है इंडिया, साइज की हम लोग बात करेंगे तो जैसे हम लोगों ने बात की थी साइज, इंडिया का साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो साइज दो टर्म्स में देखा जाता है, ठीक है। एक तो एरिया, ठीक है, अब ग्रीनलैंड को ले लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, रहने वाले कुछ हजार लोग हैं, तो क्या ये साइज, ये जो एरिया है इसका एक्चुअल साइज बता रहा है? एक्चुअल साइज जो है कंट्री का तभी पता लगेगा कि जब उसका एरिया क्या है प्लस कितने लोग उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो साइज दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो एरिया और दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या। पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया एरिया के टर्म्स में सेवन लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन के टर्म्स में कौन सा है बताइए, पॉपुलेशन के टर्म्स में जो ऑनलाइन है वो भी बताइए, पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया कौन सा है लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है? चाइना था, अब इंडिया हो गया, ठीक है। मोस्ट लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 1.4 बिलियन इसमें बोला जा रहा है, कितनी के अराउंड है, ठीक है। और एरिया की हमने बात की थी, एरिया टोटल वर्ल्ड एरिया में कितना, 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 17-18% है इस समय, ठीक है। 17 भी आपको लिखी दिख जाएगी बुक्स में और 18 भी लिखी दिख जाएगी, ठीक है। तो 7 जो एरिया है इंडिया का वो वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% है और पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% है। तो देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया का 2.4% का लैंड एरिया लेके इंडिया, ठीक है, एज अ कंट्री वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया लेके वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, 2.4% लैंड एरिया है, अगर आइडियल वर्ल्ड में 2.4% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ही सपोर्ट करने के लिए इतना काफी होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि एरिया कम है वर्ल्ड का, वर्ल्ड के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के रिलेशन रिलेटिवली वो ज्यादा इंडिया सपोर्ट कर रहा है सेम एरिया से। इसका मतलब इंडिया काफी प्रोडक्टिव कंट्री है, ठीक है। क्योंकि ग्रीनलैंड को देखो तो ग्रीनलैंड कहां पे, पोलर एरियाज में है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है इसका, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन वर्ल्ड के रिलेशन में बहुत ही कम है, इसका मतलब प्रोडक्टिव लैंड नहीं है, इंडिया के प्रोडक्टिव लैंड है, 2.4% पे 18% पॉपुलेशन को बियर कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा साइज हुआ, साइज की बात करी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को लिखिए, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली इमेजिनरी लाइन जो कि हम लोग अर्थ पे बनाते हैं जैसे, ठीक है, ईस्ट टू, अब जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वापस पेज वही आ गया, ठीक, किसी जगह का जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है, जैसे यहां है तो अर्थ के सेंटर से वो पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्या एंगल बना रहा है वो उसका लैटिट्यूड बताता है। तो इक्वेटर पे जो पॉइंट होंगे वो अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री बनाते हैं, इसलिए वो 0 लैटिट्यूड होता है, ठीक है। और पोल जो है वो अर्थ के सेंटर से 90 बनाता है तो 90 उसका लैटिट्यूड होता है, ठीक है। बीच में ऐसे क्या कहते हैं 23-40 इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड जब इस जगह के पॉइंट्स को क्या कहते हैं आप जोड़ दोगे
सारे जीरो वाले पॉइंट को जोड़ दिया, इक्वेटर बन गया। सारे 23.5 को जोड़ दिया, क्रॉप कैंसर बन गया, आर्टिक सर्कल बन गया। ठीक है, ये होता है आपको। अब तो इंडिया का, अब इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इंडिया कहीं ऐसे लोकेटेड है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल किस किस लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होगा। तो इंडिया किस किस लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, 8 डिग्री लिखिए, 8 डिग्री इंडिया का लैटिट्यूडनल है, 8 डिग्री 4 मिनट्स इंडिया का लैटिट्यूडनल है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके इंडिया लोकेटेड है 37 डिग्री 6 मिनट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, 6 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसको हिंदी में भी बोला जाता है अक्षांकीय विस्तार, ठीक है। ये इंडिया का अक्षांकीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। जो कि अराउंड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना फैला हुआ है इंडिया का, 30 डिग्री है, ठीक है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ऐसे साउथ पोल से नॉर्थ पोल जोड़ने वाली लाइन जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं या फिर मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया किस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, 68 डिग्री 7 ईस्ट, ठीक है। यहां पे कहीं पे एक लॉन्गिट्यूड होता है जिसको हम जीरो मानते हैं, जिसको हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं, मेरिडियन, उससे ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया, उससे ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके इंडिया है आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, हिंदी में बोला जाए तो ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखिए तो वो भी कितना ही है, 68 से 97 के डिफरेंस देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 29, ठीक है, 29 से 29 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी 30 है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन लेकिन उसके बावजूद जब इंडिया का ईस्ट वेस्ट, जो इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट है ईस्ट में, और इंडिया का ये ईस्ट वाला पॉइंट और इंडिया का एक्सट्रीम वेस्ट वाला पॉइंट का आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये कितना है आपका, ये इसमें 3000 अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है। ये है आपका 29013 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो 30, ठीक है, 29033 किलोमीटर है ये इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आपको 29033 किलोमीटर है। और इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ है वो कितना होएगा आपका, वो है आपका 3200, इसमें लिखा है। तो ये है आपका 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिग्री में हमने देखा था क्या कि दोनों अराउंड 30-30 है, ठीक है। लैटिट्यूडनल भी 30 डिग्री है, लॉन्गिट्यूडनल भी 30 ही डिग्री है, लेकिन डिस्टेंस किसका ज्यादा है, लैटिट्यूडनल का ज्यादा है 32, ठीक है, 3214 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसका क्या रीजन है कि दोनों तो 30 है, डिग्रीज में देखो दोनों ऑलमोस्ट 30 है, लेकिन डिस्टेंस में देखोगे, किलोमीटर में देखोगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कम है, उसका क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो लॉन्गिट्यूड्स है, देखिए मैंने कैसे बनाए, लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है, जैसे ही पोल की तरफ जाते हैं तो ये कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया की लैटिट्यूड, जो ये इक्वेटर तो इंडिया के नीचे है ना, तो यहां से ऐसे जा रहे होंगे तो ये इनके बीच की जो ये वाला है इधर वाला, इसके बीच की डिस्टेंस कम है, ठीक है। यहां पे ज्यादा रही होगी इस लैटिट्यूड्स के, जो आपके ये 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पे ज्यादा होगी, लेकिन चूंकि इंडिया इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थ में, तो यहां पे इनकी डिस्टेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही बने होते हैं कि इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस इस
at equator, and as when we move from equator towards pole, the distance between the two longitudes decreases. तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, जबकि लैटिट्यूड ले लो उनकी डिस्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके बीच की दो लैटिट्यूड की डिस्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहती है, ठीक है, कभी वेरी नहीं करती है। लेकिन अब यहाँ देखिए पोल पे आ जाइए, पोल पे क्या होता है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, जीरो, ठीक है, जीरो हो चुकी, सारे लॉन्गिट्यूड यहाँ पे नॉर्थ पोल पे मिल चुके होते हैं, साउथ पोल पे मिल चुके होते हैं, ठीक है, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जीरो हो चुकी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से ही क्योंकि लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस कम हो रही होती है टूवर्ड फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल, इसीलिए वो अब डिस्टेंस में कैलकुलेट करोगे तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से कम आता है, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है। फिर अब हम लोग ने इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है, कुछ थ्यू मतलब फैक्चुअल चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। अब इंडिया का जो जो इंडिया का मेनलैंड है इसका सदर मोस्ट पॉइंट क्या है, केप कॉमरिन, या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे इसको सुदूरस्ट, मुख्य भूमि का सुदूरस्ट दक्षिणी बिंदु, ठीक है, ये सदर मोस्ट पॉइंट है कि कन्याकुमारी। और इंडिया का सबसे सदर मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि कहां पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है ये वाला। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इलिक पास, काराकोरम माउंटेन में, ठीक है, काराकोरम माउंटेन में, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कहां पे लोकेटेड है, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, तो ये एसेसिबल नहीं है लेकिन इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है, किलिक पास, और ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज क्या कहते हैं क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया और इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कुछ और दिया गया है तो वो है इंदिरा कुल, ठीक है, वो कहां पे है, लद्दाख में, ठीक है, इंदिरा कुल लद्दाख में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो कि इंडिया के पास है, ठीक है, ये वाला नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है क्योंकि ये पूरी हमारी टेरिटरी है, ठीक है, लेकिन इंडिया के पास आज की डेट में नहीं है, ठीक है, तो ये किलिक पास है। और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो सर क्रीक नहीं है, वो है ये लिख लीजिए गोहार मोती, ठीक है, जी एच ए यू आर एम ओ टी आई, ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सर क्रीक नहीं है, ठीक है, गोहार मोती ये भी गुजरात में गांव है, ठीक है, गुजरात में जगह है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, वहां पे है गुहार मोती, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सर क्रीक नहीं है, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कीबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जगह है, तो स्टेट भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। केप कॉमरिन कहां पे है, ये तमिलनाडु में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहां पे है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, किलिक पास कहां पे है, ठीक है, ये काराकोरम माउंटेन्स में, मतलब वैसे कौन सा इस रीजन को बोला जाता है, ये पीओके तो है लेकिन वैसे ये रीजन वो है गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, वहां पे। और ये कहां पे है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो एसेसिबल है इंदिरा कुल, ये लद्दाख में है, ठीक है। फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे है, गौहर मोती गुजरात में है, और कीबितु कहां पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पांच छह पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक टाइप का लैटिट्यूड है, ठीक है, क्या इसकी मतलब वो क्या होती है, डिग्रीज में दिखाया जाए तो ये 23.5 मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि दो पांच टाइप के लैटिट्यूड जब हम लोग वर्ल्ड ऑफ देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, एक है इक्वेटर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तीसरा है आर्टिक सर्किल, ठीक है, चौथा है साउथ में चले जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पांचवा है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो इंडिया में कौन कौन से ये पांच मैं बताया, इंडिया में कौन से पास होते हैं, इक्वेटर पास नहीं होता है, केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पास नहीं करता, बाकी सारे ऊपर नीचे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉर्थ में, बहुत ज्यादा साउथ में, ठीक है। तो इंडिया में कौन कौन सा पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास तो करता है लेकिन किस किस स्टेट के थ्रू पास करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, किस किस स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये जो है हमारे 8 स्टेट से पास करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट लिखना शुरू हो जाइए, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आप लिखिए इसको, कौन कौन से, वेस्ट से गुजरात में पास करता है, ठीक है, फिर राजस्थान में पास करता है, ठीक है, फिर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हूं एमपी में पास करता है, फिर छत्तीसगढ़ में पास करता है, फिर 1 2 3 4 8 है ना, फिर झारखंड से पास करता है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल से पास करता है, ठीक है, फिर त्रिपुरा से पास करता है, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा जिससे पास करता है, मिजोरम, तो 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, लिख लीजिए ये, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, लिख लिया, ठीक है, ये 8 स्टेट है जिसके थ्रू ये पास करता है, ठीक है। अब मैं एक चीज, ये डिस्कशन हमारा है कि चूंकि अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो रीजन होता है वो उसको कौन से टाइप का रीजन होता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहां पे, लेकिन क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो रीजन होते हैं वर्ल्ड में चले जाओ तो इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट वाले रीजन बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वैसे डिवीजन देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इंडिया में नीचे वाली जो स्टेट्स हैं यहाँ पर नीचे वाले रीजन से यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए और ऊपर वाले में टेम्परेट क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंडिया एज अ होल आप देखोगे तो इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट नहीं होता है, इंडिया में एज अ होल देखोगे तो ट्रॉपिकल ही क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि आप किसी वर्ल्ड की दुनिया किसी और कोने में चले जाओ, ठीक है, तो वहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले एरिया टेम्परेट एरिया होंगे और नीचे वाले ट्रॉपिकल होंगे, लेकिन इंडिया में थोड़ी सी कंडीशन अलग